गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको मोरल साइंस में पार्ट 6 तितली की कहानी की एक्सरसाइजेस कराएंगे। तो पेज नंबर 19 ओपन कर लें सभी बच्चे। तो क्या दिया है देखिए, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। जो उचित उत्तर है उस पर सही का चिन्ह लगाएं। तो देखिए पहला क्या है, तितलियों को तेज पकड़ने के कारण उनके पंख क्या हो जाते थे। तितलियों को पकड़ने के कारण उनके पंख क्या हो जाते थे, पहला है टूट जाते थे या चिपक जाते थे। तो इसमें से क्या सही है, चिपक जाते थे। विशु उन्हें पकड़ता था तो उसके हाथ में उनके पंख चिपक जाते थे। चिपकते थे क्या नहीं बच्चों, तो क्या है, चिपक जाते थे। तो चिपक जाते पे सही का निशान लगा दें। नेक्स्ट है, तितलियां विशु के आंगन में क्यों आती थी। तितलियां विशु के आंगन में क्यों आती थी, फूलों का स्वाद लेने या विशु को परेशान करने। तो फूलों का स्वाद लेने आती थी। क्यों पाकी, सही है इसका आंसर, फूलों का स्वाद लेने तो आती थी तितलियां। तो क्या होगा, इस पे सही का टिक लगा देंगे, फूलों का स्वाद लेने। तितलियां विशु के आंगन में फूलों का स्वाद लेने आती थी, तो ऐसे करना है हमें ये। आप देखिए आगे क्या दिया है, बिंदुओं को मिलाकर तितली बनाएं और रंग भरें। यहाँ पर आपको डॉट दे रखी हैं, तो इन्हें आपको क्या करना है, मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं, यहाँ से यहाँ धीरे धीरे मिलाइएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ ओके, फिर इधर भी यहाँ से यहाँ, यहाँ ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर सर्किल में करना है, फिर यहाँ से यहाँ सर्किल में, इस सर्किल में, इधर भी ऐसे करना है, और इधर भी सर्किल में ऐसे करना है। अब ये बिंदुओं को हमने मिला लिया, अब क्या करना है, इसमें कलर करना है। तो आप कलर करिएगा सुंदर सी बटरफ्लाई, क्या करेंगे, कलर करेंगे सुंदर सी बटरफ्लाई, कलर करेंगे ओके। देखिए बटरफ्लाई तो बहुत रंगों की होती हैं, तो आपको जो पसंद आए आप वो रंग की कर दीजिएगा ओके। और ये वाला वर्क, ऊपर वाला वर्क और ये वाला वर्क किस में करना है, बुक में करना है, क्योंकि मोरल का तो हम बुक में ही करते हैं ना, नोटबुक में तो नहीं करते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दिए, विशु कहाँ फंस गया था, विशु कहाँ फंस गया था, बताइए बताइए। क्यों सार्थक, आपको पता है इसका आंसर, अर्णव आपको पता है इसका आंसर, विशु कहाँ फंस गया था बताइए। चलिए मैं बताती हूँ, विशु दलदल में फंस गया था, कहाँ फंस गया था, दलदल में। चलिए नेक्स्ट, विशु तितलियों को कैसे देखकर खुश होता था, विशु तितलियों को कैसे देखकर खुश होता था, बताइए बताइए। क्यों रियांश, बताइए इसका आंसर, अर्जुन आप बताइए इसका आंसर। चलिए मैं बताती हूँ, विशु तितलियों को तड़पते देखकर बहुत खुश होता था, विशु कैसे खुश होता था,
तितलियों को तड़पते देखकर खुश होता था। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। विशु को अपनी भूल का एहसास कैसे हुआ? कैसे हुआ था अपनी गलती का एहसास उसे कि वो गलत कर रहा था तितलियों के साथ? चलिए बताती हूँ। एक दिन विशु तितलियों को पकड़ने दौड़ा, उसका पैर दलदल में घुस गया। वह घबरा गया और सोचने लगा, जैसे तितलियां मेरे पकड़ने से चल नहीं पाती थीं, वैसे ही आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। इस प्रकार विशु को अपनी भूल का एहसास हुआ कि जैसे मैं उनके साथ करता था तो वैसी ही आज मेरे साथ हुआ है। जैसे मैं उन्हें पकड़ता था वो चल नहीं पाती थी और आज मैं भी चल नहीं पा रहा हूँ। तो उसको अपनी गलती का एहसास ऐसे हुआ। क्यों बच्चों, समझ में आया आपको? चलिए, ओके, बाय बाय।